जय भीम, जय भीम, जय भीम। दो साल पहले, दो साल पहले तक मैंने बाबा साहब के बारे में सुना नहीं था। मैंने गांधी के बारे में सुना था। और जब मैं आई और बाबा साहब के बारे में पढ़ा, I thought a big injustice in the world had been done to him. और मुझे लगा कि बाबा साहब के साथ ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय है। He is, in my opinion, the greatest man India has ever had. और वो मेरे राय से वो वर्ल्ड के सबसे महान व्यक्ति थे। Like a lot of you, he suffered. और आपकी ही तरह उन्होंने भी काफी सफर किया। But he would not be defeated. और वो कभी पराजित नहीं हुए। He knew the way to an equal future. और वो जानते थे कि समानता का रास्ता through education. शिक्षा के माध्यम से जाता है। Don't ever let anybody stop you having education. और आप किसी को अपने आप को पढ़ने से रोकने का अधिकार मत दीजिए। बाबा साहब knew the pen was mightier than the sword. और बाबा साहब जानते थे कि एक तलवार से ज्यादा ताकतवर एक पेन होता है। He also knew. और वो जानते थे that when you are born Indian. और जब एक बच्चे का जन्म होता है तब इंडियन के रूप में होता है। There is no caste. और बच्चे का कोई कास्ट नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है। There is no upper class or lower class. और उसका कोई उच्च जाति और छोटी जाति नहीं होती है। You are all Indian. और आप सभी लोग इंडियन हैं। He fought to give you equality. और उन्होंने आपको समानता दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। And still, you are waiting for that equality. और अभी भी आप जो है उस समानता के लिए इंतजार कर रहे हैं। Educate your children. अपने बच्चों को पढ़ाइए। Give them the best education you can afford. और उस शिक्षा को दीजिए जो कि शिक्षा आप दे सकते हैं बच्चों को। बाबा साहब knew. बाबा साहब जानते थे that if you got education, यदि आपको शिक्षा मिल जाएगी, you have the world at your feet. और आप इस संसार आपके चरणों के नीचे हो जाएगा। He traveled the world. उन्होंने पूरे संसार का भ्रमण किया। A man who had nothing. और एक व्यक्ति जो जिनके पास कुछ भी नहीं था, and he became the most intelligent man in the world of his time. और वो अपने समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में उभरे। Don't ever let anybody take away your chances of education. और किसी को भी अपनी एजुकेशन से अवरोध होने का चांस मत दीजिए, मौका मत दीजिए। Realize that this is your way out of poverty. और ये यही एक रास्ता है जो आपको गरीबी से निकाल सकती है। We in the West were thought that you were rich people. और हम वेस्ट के लोग ये जानते हैं कि जो है आप सभी लोग काफी रिच हैं, काफी अमीर लोग हैं। We were told India didn't need foreign aid. और हमें ऐसा बताया जाता है कि भारत को फॉरेन सहायता की जरूरत नहीं है। India is a wealthy nation. और इंडिया एक धनी राष्ट्र। But only for the wealthy. लेकिन ये धनी राष्ट्र है, लेकिन सिर्फ अमीरों के लिए है। You don't see any of that wealth. और आप में से किसी ने उस तरीके का धन नहीं देखा। The only way you will get to be wealthy. और सिर्फ एक ही रास्ता है जिसके माध्यम से आप अमीर हो सकते हैं।
is by educating your family to the best of your ability. और अपनी क्षमता के अनुसार से अच्छे से अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देकर ही आप जो है अमीर बन सकते हैं. Through education, your children will travel the world. और शिक्षा के माध्यम से आपके बच्चे संसार का भ्रमण करेंगे. They will have wages. और उनके पास अच्छा वेजेस होगा. To bring home to you. और वो पैसा जो है घर ले आएंगे आपके पास. But beyond what you can dream of. और जो आपका सपना है वो पूरा करेंगे. Don't narrow your views just to India. और सिर्फ इतना ही नहीं कि आप सिर्फ इंडिया में ही वर्क करें. Look outside of India. आप भारत से बाहर को भी देखें. And think what your children could achieve for you and your family. और सोचें कि आपके बच्चे आपके लिए और आपके परिवार के लिए क्या कर सकते हैं. This is what Baba Saab. और यही जो बाबा साहब wrote for you in the Constitution. बाबा साहब ने यही संविधान में आपके लिए लिखा है. He wanted equality. और वो चाहते थे समानता. For every single Indian in this wonderful country. और इस अद्भुत कंट्री में सभी एक एक व्यक्ति के लिए समानता चाहते थे. Thank you so much for inviting me to come and talk to you today. और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ताकि मैं बोल पाया. जय भीम. जय भीम. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले.